हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक और रिलेशनशिप की रीडिंग करने जा रही हूँ। एंड मैंने जो है टैरो मास्टरी एंड सर्टिफिकेशंस किए हैं एंड आई एम अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। सो एक क्लाइंट आए थे तो उनके लिए मैं आज एक रीडिंग दिखा रही हूँ कि मैंने जो करी थी। तो उनकी जो बेटी थी, उनकी शादी लायक बेटी थी और उसके लिए वो रिश्ते आए हुए थे दो। तो उनको ये जानना था कि ये दो रिश्ते हैं मेरे पास तो कौन सा रिश्ता अच्छा रहेगा। तो ये दो कार्ड्स मैंने निकाले थे। तो एक तो आया था फोर ऑफ सॉर्ड्स, पहले रिश्ते के लिए हम मानते हैं पहला रिश्ता। और सेकंड रिश्ता ये वाला था, ये है फोर नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दो रिश्ते थे। तो ये जो लड़का है, मैं इस पे उनको सजेशन हम ये दे सकते थे कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के चलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदारी से चलने वाले हैं ये जो थे, ये वाला रिश्ता जो है। और सेकंड वाला जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स वाला है, तो इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत सब्र है और ये बिज़नेस माइंडसेट के हैं। और वो फिर बाद में निकले भी बिज़नेस मैन ही, जब मैंने और डिटेल्स उनसे पूछा तो वो बिज़नेस ही करते थे। तो इस तरह से उनको काफ़ी मेरे पे कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, मैंने जैसे बताया अपने आप ही कि वो बिज़नेस करते हैं, तो वो और आगे जाने में इंटरेस्टेड हुई कि अगर वो इस बिज़नेसमैन से वो उनको अगर इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा वो लेती हैं तो कैसा रिश्ता रहेगा, उनकी बेटी का आगे जीवन वहाँ पर कैसा चलेगा। तो फिर इस वाले ही कार्ड को मैं लेके आगे चली। तो एक और कार्ड फिर जो निकला है वो ये निकला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि वो ये भी देखिए वॉन्ड्स ही आया है, तो इस रिश्ते में अच्छी पैशन है, ये एक पैशनेट उनका रिश्ता रहेगा, अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। बट ये जो है और इस रिश्ते में आगे जाके इसको बढ़ा सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये आ रही है। तो इस तरह से ये रिश्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, ये प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और फिर उन्होंने ये जानना चाहा वापस कि ये जो पहले वाले थे, इनसे अगर इनकी बेटी का शादी होती है तो कैसा बनेगा इनका प्रॉस्पेक्ट्स, यहाँ पर कैसे बनेंगे। तो इसके लिए भी मैंने फिर एक और कार्ड निकाला था, ये आया था एम्परर काल। तो एम्परर एक वो होता है, एक राजा, राजा जैसा पर्सन जो कंट्रोल करता है, सब कुछ संभालता है, पूरा अपना एक राज्य संभालता है और पूरे उनके राज्य के इतने सारे लोग होते हैं, सबकी प्रॉब्लम समझता है। और इसलिए वो काफ़ी नियम भी होते हैं उसके दिमाग में, कानून भी होते हैं जो लागू होने चाहिए। तो उसकी लाइफ एक इस तरह की रहेगी, थोड़ी सी ऐसी दिखाई दी मुझे यहाँ पर कि नियम कानून के साथ वहाँ पे उसको चलना पड़ेगा। हो सकता है घर में उनके कुछ इस तरह से चले, वहाँ पे ऐसा पैटर्न हो उस परिवार में। तो मैंने इस तरह से उनको इनसाइट्स ये दी थी। तो एंड शी वाज क्वाइट सक्सेसफुल एंड शी फेल्ट क्वाइट सक्सेसफुल कि अच्छा ही रहा, उन्होंने इनसाइट्स ले ली, उन्होंने पता कर लिया। और अब इसी तरह से अगर आप भी के भी दिमाग में, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आप जानना चाहते हो अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के अंदर, किसी के भी बारे में, सो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।